हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कंटेन कैपर चैनल। तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं और रिटर्न से परेशान हैं, बहुत सारे सेलर्स मैंने देखा है जो अच्छा बिजनेस भी कर रहे होते हैं बट रिटर्न आ जाने से और उस वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लॉस में अल्टीमेटली वो चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली नॉन रिटर्नेबल वर्टिकल्स में अगर कोई डील करना भी चाहता है तो उसके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। जैसे ही टी शर्ट देखेंगे ना, तो इसमें 10 दिन का रिटर्न पॉलिसी है और रिटर्न्स के चक्कर में लॉसेस वगैरह बहुत ज़्यादा बियर करने पड़ते हैं, चाहे वो रिवर्स शिपिंग को लेकर के हो, चाहे फिर आपके कस्टमर ने आपको गलत आइटम्स आपको दे दिया है, या फिर बीच में कोरियर में दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। बट वहीं कुछ वर्टिकल्स आप देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ आपको क्रीम के वर्टिकल्स में दिखाऊँ, तो इसको क्लिक करूं और आप देखोगे यहाँ पे नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, दैट मींस इसमें रिटर्न ना के बराबर होंगे। और ये मैं बात करती हूँ अमेजोन और फ्लिपकार्ट की। मीशो पे आज भी बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो नॉन रिटर्न प्रोडक्ट को रिटर्न हो जाते हैं, तो ये इशू है। बाकी नॉन रिटर्नेबल अगर है तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि कस्टमर वापस नहीं कर पाता है, इस चक्कर में रिवर्स शिपिंग भी नहीं लगेंगे, उस चक्कर में आपको कोई प्रोडक्ट गलत आने की भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और केवल आरटीओ ही आएंगे जो आने वाले हैं, तो आइटम का लॉस यहाँ पर नहीं होगा और काफ़ी हद तक आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट कौन कौन सी प्रोडक्ट वर्टिकल, प्लस प्रोडक्ट वर्टिकल वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैं आपको बताऊँगी, ताकि आपको अब अपनी वर्टिकल ढूंढने में आसानी रहे। प्लस हर वर्टिकल में जो प्रोडक्ट आती हैं वो कोई भी वर्टिकल नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट नहीं होती, उसके अंदर जो प्रोडक्ट के वर्टिकल आते हैं वो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। वेलकम टू कंटेन कैपर, आई एम प्रिया, और आपसे लाइक और सब्सक्राइब, बस दो चीज़ें मांगूंगी आपसे, शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। सो प्रोडक्ट डेट कान बी रिटर्न, तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन सेलर के लिए नए हैं पुराने हैं ये आपके लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑटो एसेसरीज की। अगर आप गाड़ियों से रिलेटेड पार्ट्स या गाड़ियों से रिलेटेड एसेसरीज, बाइक की हो या चाहे वो कार की हो, इससे रिलेटेड अगर आप डील कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट रहेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इनमें वर्टिकल हैं जिनमें नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि अगर आपका कोई आइटम है और आपको वहाँ डाउट है कि क्या ये रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सर्च कर लो। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ एयर फ्रेशनर की, तो एयर फ्रेशनर कॉपी करके अगर इसको आप फ्लिपकार्ट में अगर मैं देखती हूँ, तो फ्लिपकार्ट को इसको ओपन करते ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये आइटम आपका नॉन रिटर्नेबल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। सेम अगर मैं बात करती हूँ अमेजोन पे, अगर आपको कोई चीज़ सर्च करना है तो सेम इसी तरीके से आप वहाँ पे भी सर्च करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको आगे बताती हूँ कौन कौन से वर्टिकल में कौन कौन से आइटम होते हैं जो कि कार जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कार एसेसरीज में बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे ब्राइटनर है, क्लीनर है, बाइक का स्टिकर है, इसके बाद आपका ऑयल और वैक्स भी है। ये सब मैं सारा तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये वीडियो में काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाएगा, आप इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी का जो भी होगा हम आपको आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट वर्टिकल होता है बाथ एंड स्पा का। ऑब्वियसली अगर इसमें यूज़ कर दिया कस्टमर ने या ओपन भी कर लिया तो दोबारा सेल नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये वर्टिकल होती हैं जिसमें ये प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बाथ बबल है, स्पंज है, और वॉश हो गया, बॉडी वॉश हो गया, उसके बाद सोप शैम्पूज हो गए हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे वर्टिकल्स हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बेबी केयर में। बेबी केयर में भी बहुत सारे वर्टिकल्स ऐसे हैं जो रिटर्न नहीं कर सकते, जैसे आप देख सकते हैं डाइपर है, ब्रेस्ट पंप हो गया, और इसके बाद सिरिंज हो गया, वाइप्स होते हैं, तो ये सारे कुछ ऐसे वर्टिकल्स हैं जो हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद आता है क्लीनिंग प्रोडक्ट। इसमें अगर आप देख सकते हैं ना, तो क्लीनिंग आइटम्स में ये कुछ आइटम्स हैं जिसमें रिटर्न नहीं कर सकते, जैसे कि क्लीनिंग जेल हो गया, डिटर्जेंट हो गया, और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
कंप्यूटर मोबाइल एसेसरीज या इलेक्ट्रॉनिक में अगर अब हम आ जाते हैं, इनमें भी बहुत सारे वर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो नॉन रिटर्नेबल होते हैं। इसमें कुछ ऐसे आइटम्स ऐसे भी हैं, आप देख सकते हैं सीवीडी डीवीडी या इंक टोनर हो गया, एप्पल से रिलेटेड कोई आइटम हो गया, टेम्पर हो गया, स्क्रीन गार्ड हो गया, वगैरह वगैरह इसमें आ जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारा होता है फूड एंड न्यूट्रिशन। अगर इसमें बात की जाए तो कुछ कुछ ऐसे फूड ऐसे भी होते हैं जो कैन में होते हैं, राइट। जैसे आपका ड्रिंक हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें आपके नॉन रिटर्नेबल आइटम्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फैशन में। फैशन में बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो नॉन रिटर्नेबल होते हैं, जैसे कि क्लॉथिंग फ्री भी हो गया। फुटवेयर एसेसरीज की बात की जाए तो यहाँ पे भी बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिसे बायर रिटर्न नहीं कर पाते, जैसे आपका हो गया शू पॉलिश हो गया, शू स्प्रे वगैरह हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप इस वर्टिकल में डील कर सकते हैं और ये नॉन रिटर्नेबल्स आइटम्स होते हैं। फिर हमारा आता है गार्डनिंग प्रोडक्ट, यहाँ पे भी आप डील कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक जैसे आपका हो गया प्लांट सीड्स हो गया, प्लांट स्लैपलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपके नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हेल्थ केयर प्रोडक्ट, यहाँ पे भी आप डील कर सकते हैं, बट इस वर्टिकल में आपको डील करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा, लाइक आई ड्रॉप्स के लिए, पेन किलर्स हो गया हमारा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर से ले सकते हैं, वहाँ पर भी आप इस वर्टिकल में डील कर सकते हैं। फिर हमारा आता है होम प्रोडक्ट, यहाँ पे कुछ ऐसे आइटम्स ऐसे हैं जो नॉन रिटर्नेबल आइटम्स होते हैं, लाइक एडेसिव्स हो गए, क्रैक्स पिलर्स हो गए, नैपकिन्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है हाइजीन, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे वर्टिकल्स हैं जैसे कि आप उसमें डील कर सकते हैं, जैसे टिश्यूज़ हो गए, टॉयलेट रोल्स हो गए, ठीक है, कंटेंट क्लेंस हो गया, इन सारी चीज़ों में आप डील कर सकते हैं, ये भी आपका नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट होता है। ओके, सो आप और भी सारी चीज़ें मैं आपको आगे इस वीडियो में क्लियर करती हूँ। आइए हम आपको कुछ ऐसे आइटम्स भी बता देते हैं जिसे बायर्स रिटर्न्स नहीं कर पाते हैं, उनको बस रिप्लेसमेंट का ही ऑप्शन आता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट हो जाता है टॉयज़ का, ठीक है। टॉयज़ का होने के बाद अगर देखा जाए ना, तो हमारा जो आता है पॉइंट वो है हमारे स्टेशनरी का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का हो गया, और ऑल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है ना कि जो भी फ़ोन्स वगैरह हैं उसको आप रिटर्न्स नहीं कर सकते हैं, वो आपका रिप्लेसमेंट हो सकता है लेकिन रिटर्न नहीं हो सकता। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लाइक फर्नीचर हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपका रिटर्न नहीं किया जा सकता, इसको रिप्लेसमेंट ही किया जा सकता है। बाकी आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए कि आप कौन से वर्टिकल में डील करते हैं, और इसी तरीके के वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसको अप्रोच करें कि और भी इस पर जो भी जिन भी लोगों को अगर रिटर्न्स या नॉन रिटर्न्स लेबल आइटम्स पे कुछ इश्यूज है तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, थैंक यू सो मच।